ये जो है ग्रैंड व्यू है यहाँ का ओपनिंग का, और ये देखो मयूरी क्या कर रही है। गाइज हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं हट्टी सिंह ना देहरा, ये इसका नाम है। ये मतलब ये हट्टी सिंह की हवेली टाइप की है। एक्चुअली मैं एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ इसके बारे में। ये देखो एक मीनार सी बनी है यहाँ पे मस्त, और ये बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन है। मयूरी यहाँ पे वेट कर रही है, चलें चलते चलते बताते हैं। आप डिटेल्स तो बताओ पहले, फिर अंदर डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो आपको डिटेल्स के बारे में बताता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है ये 1848 में बना था, और इसका कंस्ट्रक्शन कुछ हवेली टाइप का है। तो आपको इसके अंदर जो है डिटेल्स मिलेंगे ना, वो देहरा जो रहता है वो जैन टेम्पल रहता है उसके अंदर, तो ये डिटेल्स बहुत यूनिक बनाई है। हर कुंवर जो उनकी वाइफ थी उन्होंने कुछ 10 लाख उस टाइम पे 1848 में दिए थे, 10 लाख रुपए से बना था, जो कि आज के ज़माने में करीबन 60-70 करोड़ के करीब है। उतने में ये बना था कंस्ट्रक्शन। अब बहुत बढ़िया है, मैं कॉलेज के टाइम पे एक बार यहाँ पे आया था। ये देखो काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पे पार्किंग के लिए, प्लस ग्रीनरी है। तोते बहुत ही चिल्ला रहे हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। पक्षियों की आवाज़ आ रही है तो बेटर लगता है, चलो फिर चलते हैं। देखो यहाँ से एंट्री है, ये इसके पीछे नमस्ते सर्कल है, वहाँ नमस्ते सर्कल से आप इस साइड आओगे ना माधोपुरा के साइड, यहाँ से आप एंट्री करोगे। और ये पूरी पार्किंग स्पेस है। ये देखो जो आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बता रहा था ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक एक चीज़ जो है ऐसी बनी हुई है जो अपने आप में यूनिक है। आजकल तो ऐसा बनाना लगभग नामुमकिन ही है, और इतना पैसा कोई देना भी नहीं चाहिए। ये आप देख सकते हो उस पे कबूतर है। ऊपर एक छोटा सा पौधा सा उगा हुआ है, और ये करीबन अगर देखने जाओ तो मेरे हिसाब से कुछ 6 से 7 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर है ये। आपको क्या लगता है, 6 से 7 फ्लोर होगा ना? ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हाँ 7th फ्लोर तक तो होगा ये। यहाँ पे भी कुछ शायद इनकी कोई सभा गुरु या मतलब एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम टाइप का बनाया है। ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पे। आजकल पेड़ इतने देखने को मिलते नहीं है, और मुझे कंप्लेन है अहमदाबाद के लोगों से, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत पेड़ कम रहते हैं यार, और गर्मी बहुत पड़ती है। मैं हैदराबाद में रही हूँ, वहाँ पे तो हर जगह पेड़ लगा रखे हैं। बट हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग और वो इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पे होना बनता भी है। पर ठीक है, हो जाएगा, मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन हो जाएगा। पेड़ तो मोदी जी नहीं लगाएंगे, पेड़ तो हमें ही लगाने पड़ेंगे वैसे। बट हाँ, ये देखो आप ये चीज़ देखो, ये अपने आप में एक यूनिक है। ये देखो एक एक मूर्तियाँ बना के दिखाया गया है, और
और अद्भुत कारीगरी है यार। वो देखो वहाँ पे लेडीज का वो वाला, और कौन सा वाला, हाँ वो दिखाया मैंने, वही तो ये ऋषि वगैरह दिखाया मैंने देखो ये। और सबसे मेन चीज ये देखो लकड़ी का जो दरवाजा है इसकी यूनिकनेस है ये भी। किसी के तो कुछ तकलीफ हो रही है, एस्केलेटर दिया जा रहा है कोई मन चले हम चले गाड़ी वाले नहीं, उसको पॉटी लगी है, पॉटी लगी है इसलिए भगा रहा है, पर आवाज से लगता है उसकी बाइक को पॉटी लगी है। ये स्तंभ की तरह जो दिख रहा है, मतलब ये जो भी है पता नहीं मुझे इसके बारे में प्रॉपर। अगर आपको वहाँ पे उसके ऊपर बिठाया तो, अच्छा बिठाया तो मैं क्या बैठ जाऊंगा अगर बिठाया तो नहीं, मेरे को हाइट से डर लगता है। अरे देखो ये बटरफ्लाई बिल्कुल एक पतंग की तरह, डर क्या लगना है, मतलब इतनी हाइट से इतना डर नहीं लगता है। मैं मुंबई गया था तो वहाँ पे कुछ 30 फ्लोर की बिल्डिंग थी, उसके ऊपर से मैं जब नीचे देखा ना तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अहमदाबाद में इतनी बड़ी बिल्डिंग होती नहीं है इतनी बड़ी बड़ी, तो थोड़ा अजीब लग रहा था, बट चलता है कभी ऐसे कभी सब चलता है, सब चलता है। ये हमारा व्लॉग है हमारे व्लॉग में सब चलता है। ये देखो ये यहाँ पे कुछ लिखा है, मंगल यतन श्रीमती अंची देवी गोपी लाल जी मंगल यतन। तो यही एक चीज़ है, यही एक चीज़ है जो आपको बाहर से दिखेगी बहुत लंबी, पर आप अंदर आके देखना कभी भी। तो मैं मेरी सैंडल पहन रही हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, मैंने एक रील बनाई है जो मैं रील में शॉर्ट में ज़रूर चढ़ाऊँगी, रील मतलब वो शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, तो अभी हम जाते हैं ये देखो वेट कर रहे हैं, अभी हम जाते हैं ये वाला एरिया देखने, ये देखो। और आपको एक और बात बता दूँ, काफ़ी सारी रील्स और फोटोग्राफी करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि सिखाना तो पड़ता ही, अगर किसी को नहीं आता है। हाँ, तो मयूरी को नहीं आता इसलिए मैंने सिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है किसको आता होगा ज़्यादा? तो ये देखो ये पेड़ देखो कितना प्यारा, और यहाँ से वो देखो कितना प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे क्या है, मंगलायतन, और यहाँ पे भी पेड़ है बढ़िया, और ये देखो वाव। अच्छा तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं, देखो। हाँ जी बोलिए। ये तो जगह है ना यहाँ पे इस साइड वाली, ये वाली। हाँ यहाँ पे कॉलेज के टाइम पे जब मैं पहली बार कॉलेज आया था ना, तो मैं खुद ऐसे शौक हो गया था कि यहाँ इसी रास्ते से हम जाते थे कॉलेज, यार ये क्या ऐसा, ये स्तंभ सा ऐसा कुछ अभी देखा नहीं, तो मैं मेरे दोस्तों को हम लोगों ने डिसाइड किया, बोले यार ये एक है, जैसे वो रहता है ना कि पापा कई बार बोलते जैसे नागपुर वाले लोगों को संतरे की कदर नहीं होती, ऐसे हम हमारे अहमदाबाद में ये था, हमको कदर ही नहीं थी, हमको पता ही नहीं था, तो वैसे फिर हम आए आके देखा यार ये तो बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है, इतनी अच्छी चीज़ है, अच्छा। देखा ही नहीं कभी आज। तो ये वो है कि संतरे की कदर नहीं थी, बट अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉग में कुछ तो दिखाना पड़ेगा, आप लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि अहमदाबाद में क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो मैंने जब पहली बार देखा था ना, तब मैंने जब इसको पहली बार देखा था तब मेरे को पता चला यार कितनी अच्छी चीज़ है अहमदाबाद में, नहीं तो ऐसा लगता था अहमदाबाद में घूमने के लिए क्या है, कहाँ चलिए चलो अभी आगे जाते हैं, अंदर क्या क्या है देखते हैं। ये जो है ग्रैंड व्यू है यहाँ का ओपनिंग का, और ये देखो मयूरी क्या कर रही है,
बहुत सारे फॉरेनर्स आए हैं, दिखाओ उनको। पता नहीं यूएस कनाडा यूके कहाँ से है। तो बताओ, हम लोगों ने अंदर जाके देखा बट आप लोगों को उतना नहीं दिखा पाए जितना हम लोगों ने देखा, क्योंकि कैमरा प्रोहिबिटेड था। हम अच्छे से दिखा नहीं पाए क्योंकि अंदर वीडियो नहीं निकाल सकते, बट बाहर से हमने काफ़ी कुछ दिखाने की ट्राई करी है। हम लोगों ने निकाल लिया। हाँ, बट थोड़ा बहुत हमने निकाला है और वो भी ऐड करेंगे। और वैसे बहुत अच्छी जगह है, अगर आप अहमदाबाद से हो, अगर आप अभी तक नहीं आए हो तो प्लीज़ एक बार इधर आना। बहुत एक तो शांति वाला माहौल तो रहता ही है हर मंदिर वगैरह इन सब में, और उसके अलावा देखने को भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आँखों को एकदम बोलते हैं ना सुकून मिलता है, ऐसी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को। और अभी देखो फोटोशूट चालू है यहाँ पे, सारे फॉरेनर्स हैं और एक यहाँ पे भी है, अभी गए अंदर। तो ऐसा सा है कुछ